25वां अध्याय। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि संभव है हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दें। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने 1 को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और उससे 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े समय में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो 13 है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, जैसा रखवाला
भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा ठहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।